नमस्कार, कणाद केमिस्ट्री में मैं अभिषेक कुमार पांडे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं और हाइड्रोकार्बन में सबसे सिंपलेस्ट होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, अर्थात ओपन चेन हाइड्रोकार्बन उसे हम लोग कह सकते हैं। और इसमें ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में मुख्य रूप से आपका सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड आता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन, और एल्केन को आप पाराफिन्स भी कहते हैं क्योंकि ये काफी कम क्रियाशील होते हैं। तो कम क्रियाशील होने के कारण एल्केन्स को पाराफिन्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं एल्केन बनाने की विधियों की बात। तो एल्केन को अनेक प्रकार से बनाया जा सकता है, जिसमें सबसे प्रमुख है हाइड्रोकार्बन का अवकरण, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अवकरण। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, इसमें नंबर वन एल्कीन और नंबर टू एल्काइन, ये दो आते हैं। तो एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करने पर, हाइड्रोजनीकरण करने पर एल्केन बनता है। जब किसी एल्कीन या एल्काइन की अभिक्रिया निकेल, प्लैटियम, प्लैटिनम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से कराते हैं, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन का निर्माण करते हैं और इस अभिक्रिया को सबैटियर एंड सेंड्रेंस रिडक्शन कहा जाता है। तो किसी एल्कीन या एल्काइन को एल्केन में अवकृत करना निकेल, प्लैटियम, प्लैटिनम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में सबैटियर एंड सेंड्रेंस रिडक्शन कहलाता है। और इस प्रक्रिया में 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान रखा जाता है, यानी 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच, यानी 500 केल्विन से ऊपर तापमान हम लोग रखते हैं इस अभिक्रिया को कराने के लिए। तो इसमें क्या होगा, हम लोग उसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी एल्कीन या एल्काइन, तो एल्कीन लिया जाए यदि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका इथीन है या इसी का कॉमन नेम इथिलीन, तो कॉमन नेम इथिलीन। जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, प्लैटिनम, प्लैडियम या निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और तापमान रखा जाता है इसका 550 केल्विन ले लेते हैं इस तापमान पर, तो हाइड्रोजन जुड़ जाता है इस इथीन से, डबल बॉन्ड ब्रेक करता है यहां पर और CH3 यानी इथेन बनता है। तो ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया और इस हाइड्रोजनीकरण को कहा जाता है सबैटियर एंड सेंड्रेंस रिडक्शन। सबैटियर और सेंड्रेंस रिडक्शन, जिसके द्वारा किसी एल्कीन को एल्केन में बदलते हैं। साथ ही साथ इस अभिक्रिया का उपयोग किसी एल्काइन को एल्केन में बदलने में भी किया जा सकता है। सिमिलर प्रोसेस और हम किसी एल्काइन को यानी ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया इथाइन या इसे कॉमन नेम एसिटिलीन भी कहेंगे। जब इसकी अभिक्रिया 2H2 हाइड्रोजन के दो अणु से होगी, तो निकेल, प्लैटिनम या प्लैडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 550 केल्विन तापमान लिया जाए, तो ट्रिपल बॉन्ड टूटता है पहले डबल बॉन्ड में और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है। जब एक हाइड्रोजन जुड़ेगा इसमें, तब एक और हाइड्रोजन का अणु जुड़ जाएगा, तो ये दोनों जो पाई बॉन्ड है इसमें इथाइन में
एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है, तो दोनों पाई बॉन्ड टूटेगा और ये आपका CH3 यानी इथेन का निर्माण करेगा। तो ये है अन सैचुरेटेड और ये हो गया सैचुरेटेड। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को निकेल प्लैटिनम प्लेडियम की उपस्थिति में 500 केल्विन से अधिक तापमान पर यदि हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराया जाए तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है और इस हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया को सेबेटियर और सेंड्रेंस अवकरण कहते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए नेम रिएक्शन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।